हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। मैं डीएन प्रजापति आज आप लोगों को कुछ बातें बताने चल रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी आप कार्य कर रहे होते हैं उसे नियमित रूप से लगातार करते रहिए और तब तक करते रहिए जब तक आप सफलता को न प्राप्त कर लें। अर्थात आपको इंग्लिश सीखनी है तो लगातार इसे पढ़ना है, सुनना है, जानना है और वाक्य में प्रयोग करना है। आज मैं इस तरह के कुछ व्यवहारिक सेंटेंसेस बताने चल रहा हूँ जो क्रोध सूचक वाक्य हैं। ऐसे वाक्य जब किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलता है। क्लियर? जैसे मान लीजिए आप हैं, कोई व्यक्ति है, ज़्यादा बात कर रहा है, ज़्यादा बड़बड़ा रहा है, तो आप कहते हैं हिंदी में, बक बक मत करो, डोंट टॉक राउट, या ज़्यादा वह बातें करता है और बिल्कुल नहीं मानता है तो आप क्या कहते हैं? कहते हैं बाहर चले जाओ, गो आउट। क्लियर? या कोई व्यक्ति है आपके काम में दखल दे रहा है, परेशान कर रहा है आपको, तो आप हिंदी में क्या कहते हैं? मेरे काम में दखल मत दो, डोंट पोक योर नोज इन माई अफेयर। क्लियर? या बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप बाहर से घर में जाते हैं, बच्चे शोर करते हैं, इस तरह का कुछ माहौल रहता है, तो आप हिंदी कहते हैं चुप रहो, शट अप। या कोई व्यक्ति आता है, अजनबी आता है, कोई अनावश्यक सलाह मशवरा दे रहा है आपको अपने हित के लिए, तो आप क्या बोलते हैं? अपनी राह देखो, गो योर ओन वे। क्या बोलते हैं? गो योर ओन वे। कभी कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति को, बच्चों को बार बार शांत कराते हैं, शांत नहीं होते हैं, फिर गुस्से में आप आ जाते हैं, तो कहते हैं कि तो क्या बोलते हैं? एक शब्द भी मत बोलो, डोंट अटर अ वर्ड। कोई व्यक्ति है आपको सलाह दे रहा है, ऐसा सलाह जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप कहते हैं अपनी चिंता करो, माइंड योर ओन बिजनेस। क्लियर? शोर शराबा हो रहा है तो आप बोलते हैं हल्ला क्यों हो रहा है, व्हाई आर यू शाउटिंग। ठीक है? कोई व्यक्ति आपसे उदंडता से बात करता है तो आप क्या बोलते हैं उसे? तुझे मजा चखा दूंगा, आई विल टीच यू अ लेसन। मान लीजिए पुनः कोई व्यक्ति, कोई बच्चा को परेशान करता है, कोई जिद करता है, तो आप कहते हो चूल्हे में जा, गो टू द डॉग्स। या किसी बच्चे से, किसी व्यक्ति से आप परेशान हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं, तो आप हिंदी में कहते हैं अब मैं उससे तंग आ गया हूं, आई एम नाउ सिक ऑफ हिम। क्लियर? तो इस तरह से देखा कि सभी के सभी व्यवहारिक सेंटेंसेस आपके नित्य प्रतिदिन बोलने वाले दिनचर्या में आता है, इसे बोलिए। और भी जो भी हमने बातें बताया है, जो भी सेंटेंसेस दिया है, उसे बोलिए और जानने की इच्छा रखिए।
एक दिन आप अवश्य सफल होंगे। सभी वीडियो को देखें और उस पर अमल करें। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।